नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौड़। आज हम बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जिस सीट पर भाजपा को अपना प्रत्याशी उतारने में अंतिम समय तक लग गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट की, जहां से नामांकन के आखिरी दिन भी भाजपा अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर असमंजस की स्थिति में बनी रही। जी हाँ, डोईवाला विधानसभा सीट, वो हॉट सीट जिस सीट से पूर्व में विधायक थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि भाजपा को इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने में इतना समय लग गया। ये वही सीट है जिस सीट पर चुनाव से एक महीने पहले भी कई समझौते किए जा रहे थे, कई वादे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सीट से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। जी हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की, जो मांग कर रहे थे भाजपा में कि उन्हें डोईवाला से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अब वो कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन भाजपा में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि डोईवाला विधानसभा सीट पर वो आखिरी दिन तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए? जी हाँ, उसकी मुख्य वजह ये मानी जा सकती है कि गुटबाजी बहुत हावी रही डोईवाला विधानसभा सीट के प्रत्याशी को उतारने में और अंत में ब्रिजभूषण गैरौला पर भाजपा ने अपना दाव खेला। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ब्रिजभूषण गैरौला से पहले और कई नाम क्यों लाइन में आ रहे थे? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अंतिम समय पर दीप्ति रावत का टिकट काट दिया गया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो सर्वे रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर जो नाम सामने आ रहे थे उनको भाजपा में टिकट नहीं दिया गया? आखिरकार ऐसी क्या वजह बनी कि आखिरी समय पर भाजपा को इस टिकट का ऐलान करना पड़ा? उसके पीछे की अगर वजह जाने तो सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के बड़े चेहरे हैं, वो चाहते थे कि उस सीट से उनका कोई करीबी चुनाव लड़े और इसी वजह से इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने में भाजपा को इतना समय लग गया। लेकिन देर ही सही, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने करीबी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया। लेकिन इतना लंबा समय क्यों और इस सीट पर इतना घमासान क्यों? हमेशा से देखा गया है डोईवाला विधानसभा सीट हॉट सीट रही है और इस सीट से ही सभी बड़े चेहरे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, चाहे हरक सिंह रावत की बात कर ली जाए, धन सिंह रावत की बात कर ली जाए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ली जाए या फिर रमेश पोखरियाल निशंक। वो सभी लोगों को डोईवाला विधानसभा सीट बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन चुनाव के अंतिम दिन भी, यानी कि जिस दिन नामांकन कराना था उस दिन भी इस सीट को इंतज़ार रहा भाजपा के प्रत्याशी का। तो कुल मिला के कहा जा सकता है इस पीछे इस पूरे समीकरण की गणित ये निकलती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के बड़े चेहरे हैं, जो इस बार डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अंत में अपने करीबी को ही इस सीट से प्रत्याशी बनाया और अब उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि उन्हें जीत कर विधानसभा तक पहुंचाना है। ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।